सोचो आप समंदर में सफर कर रहे हो और पता चले कहीं दूर एक ऐसा आदमी है जिससे हर कोई डरता है। उसका नाम ही काफी है लोगों के दिलों में डर पैदा करने के लिए। उसका चेहरा धुएं के पीछे छुपा रहता है और उसकी आंखें ऐसे जलती थी जैसे कि नर की आग। ये आदमी था ब्लैक बियर्ड, दुनिया का सबसे डरावना पायरेट। उसका असल नाम हालांकि एडवर्ड टीज था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो एडवर्ड थैच के भी नाम से जाना जाता है। इन दोनों नामों में खाली सरनेम का ही डिफरेंस था। 1600 के एंड में पैदा हुआ, उसके बचपन के बारे में बहुत ही कम जानकारी मिली है, लेकिन एक चीज है जो हम जानते हैं, वो ये है कि एक दिन ये बहुत ही बड़ा पायरेट बनेगा। ब्लैकबियर्ड का शुरुआती जीवन राजों से घिरा हुआ है। उसके शुरुआती 10 साल के दिनों के बारे में हमें कुछ खास नहीं मालूम है। उसका असली नाम एडवर्ड टीज था और वो इंग्लैंड के ब्रिस्टल पोर्ट से एक नौकरी करने वाला मछुआरा था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उसने स्पेनिश सक्सेशन के युद्ध में भी लड़ाई की थी, जिसके अंत में वो बेरोजगार हो गया था। ये वो समय था जब पायरेट्स का एरा खत्म होने के कगार पे था, इसीलिए वो नसाओ की आउटलो हेवन में गया और 1717 के बसंत में एक पायरेट बन गया। उसने पायरेट कैप्टन बेन हॉर्नीगोल्ड के साथ दूसरे इन कमांड के रूप में अपना सफर शुरू किया। वो अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर आगे बढ़े, 8 व्यापारी जहाजों को लूट लिया और तबाह कर दिया। उन गर्मियों में ब्लैकबियर्ड की मुलाकात स्ट्रीट बोनेट से हुई, जो कि जेंटलमैन पायरेट नाम से भी जाना जाता था। जिसके बाद ब्लैकबियर्ड उसके शिप रिवेंज का कमांड अपने हाथ में ले लेता है। फिर उसने दोबारा अमेरिका के कॉलोनीज में आतंक फैलाया और सिर्फ 3 हफ्तों में 15 जहाजों पर कब्जा कर लिया। ब्लैकबियर्ड बहुत ही दिमागी था। ब्लैकबियर्ड ने अपने डर का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया, अपने विरोधियों को जल्दी से हार मानने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उसमें एक खास बात भी थी, उसने कभी भी अपने शिकारों को टॉर्चर नहीं किया। उस साल के बसंत के मौसम में ब्लैकबियर्ड विंडवुड आइलैंड के पास सेंट विंसेंट गया, जहां उसने ला कॉनकॉर्ड नामक फ्रेंच जहाज को पकड़ा, जिसमें कि 500 गुलामों को शुगर प्लांटेशन के लिए ले जाया जा रहा था। ब्लैकबियर्ड ने उस जहाज पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद उसने 40 तोपों से उस जहाज को सजा दिया और उसका नाम क्वीन एनेस रिवेंज रखा। अब इस वक्त पर ब्लैकबियर्ड के पास करेबियन का सबसे शक्तिशाली वॉरशिप था, जिसके साथ ही 4 शिप्स और 250 क्रू मेंबर्स की टीम भी थी। जिसके बाद ब्लैकबियर्ड ने वेस्ट इंडीज में तबाही मचा दी, जहाजों को लूटना और जलाना शुरू कर दिया था। उसका आतंक चारों तरफ दिखाई दे रहा था, हर कोई ब्लैकबियर्ड के नाम से डरने लगा था। फिर उसने गल्फ ऑफ मेक्सिको में पश्चिम की ओर रुख किया और वहां स्पेनिश जहाजों को तबाह करते हुए उसको एक नया टाइटल मिलता है, एल ग्रैंड डिएब्लो, यानी कि द ग्रेट डेविल। लेकिन कई सारे ट्रेजर्स लूटने के बाद भी ब्लैकबियर्ड का दबदबा कम हो रहा था, क्योंकि उन्हें कई महीनों से कोई बड़ा माल हाथ नहीं लगा था। क्रू को सोना चाहिए था, इसलिए ब्लैकबियर्ड फ्लोरिडा के कोस्ट की तरफ गया, जहां 3 साल पहले स्पेनिश ट्रेजर फ्लीट डूब चुकी थी। उसके आदमियों ने रेक्स में सोना और चांदी तलाश की, लेकिन इसके एवेंजर्स पहले ही वहां सब कुछ लूट चुके थे और ब्लैकबियर्ड के क्रू को ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। अब ब्लैकबियर्ड ऐसा कदम उठाने वाला था जो कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेने वाला था। उसने पोर्ट को 6 दिनों के लिए ब्लॉक कर दिया, जो भी शिप्स अंदर या बाहर जा रही थी उन्हें लूट लिया और हॉस्टेजेस को कब्जा कर लिया। ऊपर की तरफ कोस्ट पर सफर करते हुए ब्लैकबियर्ड टॉप सेल इनलेट में घुसा, एक छुपने की जगह ढूंढते हुए, लेकिन उसका फ्लैगशिप क्वीन एनेस रिवेंज वहां अटक गया, जिसके बाद वो शिप वहीं पे डूब जाता है। जेंटलमैन स्ट्रीट बोनेट ने अब ब्लैकबियर्ड के साथ अलग होने का फैसला किया और महज 4 महीने बाद जेंटलमैन स्ट्रीट बोनेट को फांसी की सजा दे दी जाती है। ब्लैकबियर्ड ने अपने क्रू के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया, जिसके बाद वो अपने सबसे करीबी साथियों के साथ नॉर्थ कैरोलिना की तरफ चला जाता है, जहां उसने गवर्नर से एक रॉयल पार्डन ले लिया। पायरेट एमनेस्टी के तहत उसने और उसके आदमियों ने ओक आइलैंड पर अपना बेस बना लिया, लेकिन जल्दी ही वो अपने पुराने तरीके वापस अपनाने लगे और 2 फ्रेंच जहाजों को लूट लिया जो समंदर पे मौजूद थी। ब्लैकबियर्ड ने दावा किया कि 180 बैरल शुगर एक छोड़ी गई शिप से मिली थी, लेकिन बहुत से लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। अलेक्जेंडर स्पोर्ट्सवुड वर्जीनिया कॉलोनी के लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ने अब फैसला किया कि वो ब्लैकबियर्ड के अंतिम फैसला करेंगे। कॉलोनियल कानून को नजरअंदाज करते हुए उसने नॉर्थ कैरोलिना पर एक नेवल टास्क फोर्स भेजी, जिसे ब्लैकबियर्ड को जिंदा या मुर्दा लाने का आदेश दिया गया था। लेफ्टिनेंट मैनार्ड ऑफ द रॉयल नेवी और 60 आदमी ने पायरेट्स को ओकरा कोक आइलैंड पर अचानक घेर लिया। ब्लैकबियर्ड के पास नेवी के मुकाबले 3 गुना आदमी कम थे, लेकिन उसने एंड तक हार नहीं मानी और बहुत ही बहादुरी से लड़ा। आखिर में लेफ्टिनेंट मैनार्ड ने ब्लैकबियर्ड को मार ही दिया। उसकी बॉडी 200 तलवार के घाव और 5 गोली के घाव से भरे हुए थे। ब्लैकबियर्ड का सर काट के नेवी स्लूप के बो स्पीड पर लटका दिया गया, ताकि सबको दिख सके कि वो मर चुका था। ब्लैकबियर्ड के आतंक का राज 2 साल से भी कम समय का था, लेकिन इस दौरान उसने तकरीबन 40 जहाज को लूट लिया था। उसके सारे आतंक और कारनामे ने एक ऐसी कहानी बनाई जो कि सदियों तक याद रहेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।